से पैक करो। अंकल जी ये नया इमर्शन हीटर खरीदा आपने? बधाई हो, किसी बड़ी कंपनी का लगता है। आपने यही ब्रांड क्यों चुना? पुत्र जी, असीं ब्रांड ब्रांड कंपनी वंपनी पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। मैंने तो बस ये ISI का निशान देखा और झट से खरीद लिया। ISI का निशान मतलब पूरा भरोसा। मैडम मैडम एक्सक्यूज मी, बड़ा स्टाइलिश टैबलेट खरीदा आपने, वाओ कॉन्ग्रेट्स। बता सकती हैं आपने यही ब्रांड क्यों लिया? श्योर, सच्ची बताओ, मैंने ब्रांड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फीचर्स देखे, कीमत देखी और अबव ऑल BIS का ये रजिस्ट्रेशन मार्क देखा, बस भरोसा हो गया। मैं समझ गई, यही है राइट चॉइस बेबी। देश के युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, गांव हो या शहर, देश के करोड़ों लोग भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड मार्क और रजिस्ट्रेशन मार्क पर पूरा भरोसा करते हैं। भरोसा बेहतर क्वालिटी का, बेहतर सुरक्षा का और बेहतर प्रदर्शन का, और ये हर उपभोक्ता को मिलता है बिना कोई अतिरिक्त कीमत चुकाए। भरोसे के ये निशान देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का उपहार है। BIS देश के विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं में वैश्विक स्तर के मानकों को अपनाने व निर्धारित करने और लागू करने वाली भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। BIS का विशाल प्रशासनिक नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं की श्रृंखला और बेहद कुशल वैज्ञानिक व तकनीकी सामर्थ्य इस जिम्मेदारी को तत्परता से निभाते हैं। ब्यूरो ने देश के औद्योगिक जगत में क्वालिटी सुरक्षा, कार्य कुशलता और पर्यावरण रक्षा के लिए जागरूकता व संवेदनशीलता के साथ उच्च स्तर के मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में BIS ने अहम भूमिका अदा की है। ब्यूरो ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए अब तक 19,000 से अधिक मानक यानी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं। इन्हीं के आधार पर ब्यूरो द्वारा वस्तुओं के प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन की योजना चलाई जाती है। ब्यूरो ने लगभग 930 से अधिक उत्पादों के लिए लगभग 31,000 लाइसेंस जारी किए हैं। इस लाइसेंस को प्राप्त करने वाले उद्योग अपने विशिष्ट उत्पादों पर लोकप्रिय और प्रतिष्ठित ISI मार्क का निशान लगाते हैं। कुछ विशेष उत्पादों में आम जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए 108 उत्पादों या वस्तुओं के लिए ISI निशान लेना अनिवार्य है। इस निशान के बिना ये वस्तुएं बाजार में नहीं बेची जा सकती, जबकि अन्य उत्पादों के लिए ISI निशान लेना ऐच्छिक है, परंतु ज्यादा से ज्यादा उद्योग अपने उत्पादों के लिए ISI निशान लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे बाजार में इन उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। अपनी विश्वसनीयता के कारण ISI निशान वैश्विक बाजार में भी प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए हैं। भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बराबरी का या बेहतर पाया गया है। विदेशी निर्माताओं को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक 47 देशों के निर्माताओं को 82 भारतीय मानकों के अनुसार 665 से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंस देने के लिए ब्यूरो द्वारा एक कड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें उत्पाद की सामग्री, कार्य प्रणाली, ऊर्जा कुशलता जैसे अनेक निर्धारित पैरामीटर की तकनीकी जांच की जाती है। कारखाने की तकनीकी क्षमता आंकने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कारखाने का निरीक्षण किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि कारखाने में निरंतर बेहतर क्वालिटी के उत्पाद तैयार करने की तकनीकी क्षमता है। बेहतर क्वालिटी निश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं को भी जांचा परखा जाता है। पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही लाइसेंस दिया जाता है। एक बार लाइसेंस जारी होने के बाद भी ब्यूरो द्वारा समय समय पर कारखाने की आकस्मिक जांच की जाती है और कारखाने से या बाजार से वस्तु के लगातार नमूने लेकर जांच परख की जाती है। किसी भी प्रकार की कमी या दोष पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाती है और लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ISI निशान वाली वस्तु या उत्पाद खरीदने से उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी, बेहतर सुरक्षा और उत्पाद की श्रेष्ठ कार्य कुशलता का भरोसा मिलता है। ISI निशान इन सभी मानकों के लिए उपभोक्ताओं को थर्ड पार्टी गारंटी प्रदान करता है। यदि किसी उत्पाद को इस्तेमाल करने पर कोई कमी या दोष का अनुभव किया जाता है तो ब्यूरो में निर्माता के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। ब्यूरो ने शिकायतों पर तेज कार्रवाई करने के लिए एक ठोस प्रणाली विकसित की है।
इसमें शिकायत को दूर करने के साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पाद में वो कमी दोबारा न आए। ब्यूरो के निशान के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिलने पर ब्यूरो की टीम द्वारा कारखाने पर छापा मारा जाता है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। ISI निशान के गलत इस्तेमाल वाला सारा माल जब्त कर लिया जाता है। कार्यवाही के तहत निर्माता के लिए दंड का प्रावधान भी है, परंतु इसके लिए ये अनिवार्य है कि उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय पक्का बिल अवश्य ले। साथ ही ये भी जरूरी है कि उत्पाद या इंस्टॉलेशन कंपनी के इंजीनियर या अधिकृत मैकेनिक से ही करवाया जाए और इस्तेमाल में लाने पर कंपनी द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरती जाएं। उपभोक्ताओं के लिए ये भी जरूरी है कि वो असली ISI निशान देखकर सामान खरीदें। असली निशान में ISI के चिन्ह के ऊपर मानक की संख्या और नीचे लाइसेंस संख्या दर्ज रहती है। नक्कालों ने इसके अनेक मिलते जुलते रूप तैयार किए हैं, जिससे उपभोक्ता धोखे में आ जाते हैं। हाल में देश के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संबंधित अनेक लोकप्रिय उत्पादों की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ घरेलू निर्माताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, जबकि अधिकांश विदेशी बाजारों से लाकर हमारे यहाँ बेचे जाते हैं। कीमतों में जबरदस्त होड़ के कारण इनकी क्वालिटी और विशेष रूप से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए इनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। कुल 30 उत्पाद चुने गए हैं, जिन्हें बाजार में बेचने से पहले इनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए निर्माता को स्वयं ये घोषणा करनी होती है कि उसका उत्पाद सुरक्षा के सभी मानदंडों को पूरा करता है। अपनी घोषणा के पत्र में उसे ब्यूरो द्वारा स्वीकृत की गई प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सभी दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर निर्माता को अपने उत्पाद पर पंजीकरण का निशान लगाने की अनुमति दी जाती है। इस निशान का अधिकृत रंग रूप जारी कर दिया गया है। आयात से आने वाले उत्पादों पर भी पंजीकरण अनिवार्य है, अन्यथा इसे देश के बाजारों में नहीं बेचा जा सकता। पंजीकरण के निशान की जगह निर्माता द्वारा उत्पाद पर ये घोषणा भी दर्ज कराई जा सकती है कि उत्पाद संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप है। पंजीकरण का निशान उपभोक्ताओं को उत्पाद के सुरक्षित होने का भरोसा और गारंटी देता है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा के प्रति सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध है। ब्यूरो के निशान, भरोसे की पहचान।